ये भी कार्य करने चली गई। अब मैं क्या करूं? सब व्यस्त है, मेरे लिए किसी के पास समय ही नहीं है। लगता है इनका ध्यान बटाने के लिए अब मुझे कुछ करना ही होगा। नंद जी, जानकी देखो मेरा लल्ला पहली बार घुटने के बल पे चल रहा है। बहुत बढ़िया काना, बहुत बढ़िया। बस यही तो चाहिए था। आजा काना, आजा इधर आ, मैया के पास आ। काना आजा अपने बाबा के पास आजा। मैंने कहा था ना बाबा, शीघ्र ही आपको सांसारिक माया जकड़ लेगी और आप सब भूल जाओगे। देखा मेरे लल्ला को, अभी अभी तो इसने चलना सीखो है पर अभी से इतना प्रवीण हो गए हो। आपका लल्ला, मेरा लल्ला मुझ पे गया है जी, इसीलिए तो इतनी शीघ्र इतना प्रवीण होगा, है ना लल्ला? आजा लल्ला, आजा अपने बाबा के पास आजा। भ्रमित कर दियो आपने इसे, कितने चाव से अपनी मैया की ओर आ रहा था। आजा लल्ला। मैंने क्या करूं, मैं भी तो इसे बुला ही रहा हूं। आजा आजा। अब आप दोनों झगड़ने मत लगना। लल्ला जिससे अधिक प्रेम करते है ना, उसी के पास जाएगो, देख लियो। यशोदा, ये तुम कैसे प्रतियोगिता लगा रही हो? क्यों, आपको विश्वास ना है कि लल्ला आपसे भी उतना ही प्रेम करते है और आपके पास भी आ सकते है? हुँ? या फिर हारने का भय सता रहे हो आपको? बिल्कुल ना, काना आएगा तो अपने बाबा के पास आ जा। जी हुई ना बात, अब देखते हैं कौन जीतेगो। आजा काना, आजा काना, अपनी प्यारी मैया के पास आजा। बाबा की उंगली पकड़ी थी ना तूने, तूने साथ देने का वचन दिया था, आजा अपने बाबा के पास। अरे ये कैसे धर्म संकट में डाल रहे हो आप दोनों मुझे। कान्हा अपने मैया के पास आएगो, है ना? आजा। नहीं कान्हा अपने बाबा के पास आएगो, आजा। लगता है नंद भैया ही जीतेंगे आज। तुझे बड़ा पता है नंद भैया ही जीतेंगे आज। कान्हा मुझे छोड़ के कहीं और जा ही ना सकता, और तू, वो तो तरकारी लेने जा रही थी ना, जा। हाँ हाँ बस जा ही रही हूँ। लल्ला देख, मेरे पास आएगो तो माखन मिलेगो, बहुत अच्छा माखन मिलेगो, आजा। कान्हा मेरे पास आएगो ना तो बहुत अधिक माखन मिलेगो, आजा। आपके सखा तो ध्यान निद्रा में चले गए हैं प्रभु, इनके ये अंगूठा चूसने की सामान्य सी क्रिया का कितना घातक प्रभाव पड़ रहा है, इन्हें तो पता भी नहीं है। चाहे जानबूझकर की जाए या अनजाने में हो, सखा की हर लीला के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। पर ऐसा लगता है देवी, जैसे उनकी इस लीला के पीछे एक नहीं अनेक उद्देश्य छिपे हैं।
देख रही हो चिंची, प्रसाद ना मिली खाने को तुझे पाँव का अंगूठा ही चूसने लग गयो। कान्हा जे क्या कर रहे है, अंगूठा मुंह से निकाल दे लल्ला, जे अच्छी बात ना है कान्हा। देख कान्हा, तू नींद में है इसका जे ना है कि मैया तुझे अंगूठा चूसने देगी। निकाल अंगूठा मुंह से। आज तो बड़ी शीघ्र इतनी गहरी निद्रा में सो गए हो तुम। देख रही हो ना चिची, अंगूठा मुंह से निकालने को तैयार ही ना जी। ऐसा क्या आनंद मिल रहा है। अधिक बल भी ना लगा सकती, अत्यधिक नींद में है, कहीं इसकी आंख ना खुल जाए। रानी भाभी, लगता है तीव्र वर्षा होने वाली है। मैं और भोला भैया के साथ अगले निकल रहे हैं, हो सकता है उन्हें हमारी आवश्यकता हो। हाँ हाँ, चलो बोला। चिची, तीव्र वर्षा आरंभ होने से पहले आप और बताओ निकल जाओ। ठीक है, किंतु तुम भी सतर्क रहना। हाँ, आप भी ध्यान से जाओ। हे नारायण, वस्त्र बाहर सूख रहे हैं और तेरे अन्नप्राशन वाले चावल भी रखे, भीतर करना होगा ना अच्छी चांद की भी। लल्ला वैसे जी बहुत बुरी बात है, अंगूठा मुंह से बाहर निकाल, केवल 2 दिवस में तेरा अन्नप्राशन है, फिर सब खाइयो। तनिक धैर्य रख। गुड़ तुम लगता है इसे माखन से अधिक ही प्रेम हो गए हैं। सावधान यशोदा, कहीं बड़ा होकर माखन चोर ना बन जाइए। माखन चोर क्यों बनेगा मेरा लल्ला? माखन की कोई कमी है क्या हमारे घर में? जितना माखन चाहिए उतना माखन खिलाऊंगी मैं अपने लल्ला को। पर मैया, अभी तो थोड़ा सा भी नहीं चखा रही हो। ये ले। लो, ये भी दाव को दे दिया। सुबह तो बोल रही थी कि मैं आपको प्रेम नहीं करता, उल्टा आप अपना सारा प्रेम बलदाव पर लुटा रही हो। सुनो जी, कान्हा के चारों ओर सिरहाने लगा दो ना, नहीं तो जी फिर से इधर उधर चला ना जाए। क्या अच्छा सुझाव दिया तुमने, अभी ला। इस बालक का वध करके जब मैं मथुरा वापस लौटूंगा तो प्रभु कंस मुझे अपना विशेष विश्वास पात्र तो बनाएंगे ही, पर क्या पता प्रधानमंत्री भी बना दे। देवकी और वसुदेव अभी कहाँ हैं? अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए ऋषि गर्ग के आश्रम जा रहे हैं। अब आप क्या करने वाले हैं महाराज? एक बार तो मैंने उन्हें प्राण दान दे दिया। बधाई हो कुंवर जी, अब
अपनी पत्नी के प्राण बचाने में आप सफल हुए। दूसरी बार मैं उन्हें दंड देने निकला तो तुमने मुझे रोक दिया। बुद्धि बल का प्रयोग कीजिए स्वामी, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। किंतु एक ही भूल को बार बार नहीं दोहराएगा कंस। मथुरा नरेश कंस के इस महल से वसुदेव और देवकी जीवित बाहर नहीं निकलेंगे। निकलेंगे केवल उनके शव। कंस मामा, आप उनको छू भी नहीं सकते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.